हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए स्टिचिंग वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ए शेप में बिल्कुल सिंपल ही हैवी पार्टी वियर गाउन हम खुद ही घर पे कैसे बना सकते हैं और उसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल सूट की तरह मैंने की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है और इसका मैं बनाने वाली हूँ ए शेप गाउन। और इसमें नीचे हैं ये इस टाइप के फ्रिल्स, तो नीचे हम जो मार्जिन लेते हैं वो नहीं लेंगे और सीधा ही मीन्स ऊपर से ही जो स्टिचिंग में आएगा हमारा थोड़ा बहुत, बस वही हम लेंगे। मीन्स 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो इसमें नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ 1/2 इंच ही लेंगे जो शोल्डर से दबेगा। और ये है मेरा पूरा 2 मीटर और ये इस टाइप का फैब्रिक है, बहुत सुंदर है ये। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये फैब्रिक ऑलरेडी इतना सुंदर है कि ये सिंपल गाउन भी बहुत अच्छा स्टाइलिश बनेगा। तो इसको मैं ए लाइन में ही कट करूँगी और जो इसकी चौड़ाई है मतलब नॉर्मल फैब्रिक से बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2 मीटर के आसपास है। और मुझे इसकी जो गाउन मैं बनाने वाली हूँ उसकी लेंथ चाहिए है 54.5 कंप्लीट, तो उससे भी ये 7-8 इंच एक्स्ट्रा ही है। तो इसमें हमें चोली में जोड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा हमारा 1 पीस गाउन इजीली रेडी हो जाएगा। उसके बाद भी हमारा ऊपर वाली साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा जिसकी हम बाजू लगा लेंगे बाद में। तो सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी। 2 मीटर है ये, तो 1-1 मीटर को ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद एक फोल्ड और कर लूँगी इस तरह से। मीन्स 4 फोल्ड में सबसे पहले मैं कपड़े को ले लूँगी जैसे हम सूट काटते हैं, उसके बाद मैं इसको सीधा करके बिछा के जो हमारे फिटिंग के निशान होंगे वो मैं लगाती हूँ। ये हमारी जो लेंथ है 55.5 इंच, उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा 55 इंच पे ही हमने निशान लगा लिया है और यहीं से हम इसकी फिटिंग के निशान लगाने शुरू कर देंगे। तो 7 इंच है हमारा तीरा और आर्म होल भी तीरे के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, तो ये भी हम 7 इंच ही लेंगे। ब्रेस्ट है हमारी 38, तो 9.5 हम ले लेंगे। ये गोलाई हमारी हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद ये चेस्ट का निशान लगने के बाद हम लगाएंगे कमर का निशान, 7 इंच पर हम लगा देंगे ये फिटिंग वाला निशान और यहाँ से होगा हमारा 32, तो ये निशान लग जाएगा 8 पर। नीचे से हिप्स का निशान लगता है 14 इंच पर, तो 14 इंच पर लगा लेंगे हम हिप्स का निशान। यहाँ से होगा हमारा 20.5, तो ये लग गया हमारा हिप का निशान। इसको इससे कर देंगे जॉइंट। और ये हो जाएगा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। ये हो गया हमारा कटिंग का निशान और इसको हम फिर कॉर्नर तक मिला देंगे। यहाँ से ये कटिंग हमारी हो जाएगी इसकी। बस इसको हम कट कर देंगे जहाँ जहाँ से हमने निशान लगाए हैं।
हमारा कट गया है पूरा, और इसी को रख के हम इसका इनर भी काट लेंगे। जो इसका इनर है वो है साटिन का, अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। उसको भी हम पहले फोर फोल्ड में बिछा लेंगे, और उसके बाद ये कटे हुए पार्ट को उसके ऊपर रख के और बगैर निशान लगाए ही ऐसे ही, मीन्स दोबारा फिटिंग के निशान नहीं लगाने पड़ेंगे, और ऐसे ही हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पूरा ई शेप का गाउन कट गया है। अब इसकी स्टिचिंग भी हम सिंपल कर लेंगे। ये जो है ये साटिन का फैब्रिक है, और मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, और उसके ऊपर मैंने रख दिया है ये पार्ट जो इसका हमने अभी कट किया था। और इसी के साथ साथ से मैं कटिंग करती हूँ, ये अब चली जाऊँगी, दोबारा से हमें फिटिंग के निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गाउन हमारा अब कट चुका है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल जैसे हम सूट की सिलाई करते, सिर्फ इसमें नेक बनाना है, सेम वैसी स्लीव्स बनेंगे और साइड की स्टिचिंग होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और एक बार ये ट्राई ज़रूर करना, बहुत सिंपल वे है, और कितना भी अच्छा पार्टीवेयर गाउन इससे बना सकते हैं। आपको इसे हैवी शो करना है तो आप इसमें नीचे किन भी लगा सकते हैं, या घेर थोड़ा बड़ा करना चाहें तो फैब्रिक 2 मीटर से ज़्यादा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।